इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, ठीक है, एक्सरसाइज तो कंप्लीट हमने कर लिया है प्लेइंग विद द नंबर्स। एक छोटी सी टॉपिक बच रही है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्राइम नंबर तो हम लोगों को पता होगा यार, प्राइम नंबर होते क्या होते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कि दो ही फैक्टर्स होते हैं। वो दो फैक्टर्स कौन होता है? एक तो वन होता है एंड दी नंबर इट्सेल्फ, ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, इलेवन हो गया एंड सो ऑन, दी जाती प्राइम नंबर्स। ओके, एक बात आती है, को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर दी को प्राइम नंबर्स? जैसे ये फोर है, फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नंबर नहीं है, ठीक है। फाइव प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, फाइव इज ए प्राइम नंबर बट फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन कहीं इन दोनों को साथ में अपन कंबाइन कर लें, ठीक है, को प्राइम जब भी निकालते हैं दो नंबर्स या दो से ज्यादा का फाइंड आउट करते हैं, तो को प्राइम नंबर्स, तो ये आपस में क्या है, फोर एंड फाइव आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनमें अपार्ट फ्रॉम वन एक के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ऐसे जो भी नंबर होंगे एक पेयर में आएंगे, वो मानते हैं कि दे आर इंडिविजुअली नॉट द प्राइम नंबर्स, जैसे इंडिविजुअली वो प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। जैसे फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर लेकिन फाइव तो है, ठीक है, बट इंडिविजुअली एक नहीं है बट दूसरा है, ठीक है, बट नहीं है बट स्टिल दे कैन बी अ पेयर ऑफ द को प्राइम नंबर्स। जैसे कि अपन फोर और सेवन ले लें, ठीक है, ये है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं कि सोचो कि फोर और सिक्स भी ले लेंगे तो को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में इसमें तो अपन को दिख रहा है कि टू इज अ कॉमन फैक्टर, टू इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, बट यही रहता टू और थ्री, तो प्राइम नंबर तो ऐसे भी ये भी एक को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। जैसे टेन हमने ले लिया, इलेवन हमने ले लिया, यस दे आर को प्राइम नंबर्स इंडिविजुअली, ये टेन इज नॉट अ प्राइम नंबर बट एज अ पेयर दे आर दी एक साथ संगति में रहने से को प्राइम नंबर्स हो गए हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस लेकर डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन दी, मोस्टली बेस्ड ऑन दी एचसीएफ एंड दी एलसीएम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन अराइज करते हैं कि फाइंड दी स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। ओके, फाइंड दी स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच वेन डिवाइडेड वेन विच वेन और दैट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सिक्स एट एंड दी ट्वेल्व, ठीक है। फाइंड और डिटरमाइन डिटरमाइन थ्री स्मॉलेस्ट थ्री स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सिक्स एट एंड दी ट्वेल्व, सिक्स एट एंड दी ट्वेल्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर अपन को पता करना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होता है यार? जब भी स्मॉलेस्ट की बात होती थी तो क्या करते थे अपन? वन लिखते हैं और बाकी सब जीरो लगा देते हैं, तो कितने हो गए, वन टू थ्री, अब तो ये फोर डिजिट हो गया। थ्री डिजिट की बात कर रहा है तो यहाँ पे हंड्रेड इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अच्छा, ये क्या नंबर होता है, मतलब इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है, वन हंड्रेड प्लस समथिंग हो सकता है या वन हंड्रेड हो सकता है, ठीक है, दैट कैन बी 100, 101, 102, जो कि इन सबको डिवाइड करे। उसको चेक कैसे करेंगे, ठीक है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि अपन अप्रोच करें कैसे करें, वेदर वी आर गोइंग टू फाइंड द एचसीएफ और वेदर वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम, यहीं पे कन्फ्यूजन रहता है अपन को कि यार एलसीएम फाइंड आउट करें कि एचसीएफ फाइंड आउट करें, करें तो क्या करें।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब आगे बढ़ना है, ठीक है, 6, 8 और 12 है, तो ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो ये तीनों ही उसको डिवाइड करें, ये तीनों ही उसको डिवाइड करें। मीन्स वी आर टॉकिंग, जैसे कि ये है 6 का जो भी फैक्टर्स होते हैं ऐसे आता है, 8 के आते हैं, 12 के आते हैं, तो ठीक है जो कॉमन आता है, ठीक है, 6, 8 और 12, जैसे कि सपोज करो हमने 24 ले लिया, तो 24 इससे डिवाइड हो जाएगा, ओके, 8 भी इसको डिवाइड कर देगा, 12 भी इसको डिवाइड कर देगा, हो जाएगा ना, तो 24, तो ये इसका जो एलसीएम आता है, ठीक है, तो एलसीएम, अब जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट नंबर विल बी 48, जो कि इन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, 6, 8 और 12 वही नंबर है, पहले तो पहला नंबर आ गया कि 24 है, 24 नंबर ऐसा है कि जो इन तीनों से डिविजिबल है, नेक्स्ट नंबर 48 है जो कि तीनों से डिविजिबल है, बाकी सब आप देखोगे जैसे 36 है, तो 36 देखेंगे तो इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, तो फिर इससे नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरह से, तो नेक्स्ट वाला ये आ जाएगा, फिर इसमें नेक्स्ट जो आएगा 72 हो जाएगा, 72 इन सब का ये डिविजिबल है, ठीक है, ये 72 आ जाएगा, इसके बाद जो आएगा 72 के बाद इसमें 24 और जोड़ दो, 24 जोड़ने से क्या होगा, 4 2 6, ये 96 आ जाएगा, ओके, तो नेक्स्ट नंबर 96 आ गया, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा तो इसमें 24 और जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है, अब देखो कितना आ गया, 120 इज द सबसे छोटा कौन सा नंबर आ रहा, 120 जो 3 डिजिट का है, स्मॉलेस्ट नंबर 120, तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है, तो ये तो क्या, ये कोई मेथड है, टूटा फूटा सा मेथड अपन यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो टूटे फूटे रहते हैं हीट एंड ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल मेथड, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड, लगा तो लगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट ये आइडिया है, एक ये आइडिया अपन को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है ये एक्चुअली, ठीक है, कहने का जो सेंस है क्वेश्चन, आप लोग पहले समझो कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 6, 8 and 12, तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 and 12, तो एग्जैक्टली डिविजिबल कौन से नंबर हो सकते हैं, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, ये सब के हैं, और भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर्स आते आने वाले हैं या आते रहेंगे, ठीक है, तो किसको लेंगे अपन, ठीक है, तो ये एक हिंट दिया है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो नंबर इसके आसपास है, इस 100 प्लस समथिंग आएगा या 100 होगा, 100 प्लस समथिंग रहेगा या फिर 100 रहेगा, तो अप्रोच कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी द प्रॉपर अप्रोच टू फाइंड दी, ठीक है, तो जो भी नंबर है इनसे आगे आने वाले हैं, तो आगे आने वाले के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू फॉलो द फाइंड आउट द एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ अपन नहीं फाइंड आउट करेंगे, ओके, एचसीएफ के प्रॉब्लम को अपन देखेंगे कैसे होते हैं, बट यहाँ पे क्या है एलसीएम, तो इनके एलसीएम निकालते हैं 6, 8 and 12, अपन को पता हो चुका है अभी तक कि यस एलसीएम 24 है, फिर भी निकाल लेते हैं, 2 3 6 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6 3, एक बार 2 और दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 and 3 3 1 1 and 1, ठीक है, तो 2 2 4 2 8 3 24, तो 24 अपन को क्या मिल गया, LCM अपन को मिल गया, ठीक है, अब जो 100 है इसके पास अपन को जाना है, अब इस 24 से अपन इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 24 से अपन डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पर ये जाकर, तो कितना हो जाएगा, ये 4 अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 आ जा रहा है, तो 4, ठीक है, एक रिमाइंडर बच गया, अब थोड़ा सा इसको आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जो 96 है, 96 इज द नंबर, लास्ट नंबर, जो यहाँ तक की सीरीज की बात हो रही है, लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल, जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट आएगा, जैसे ये क्या हो गया, जो 100 से क्या हो गया कि 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 इज द रिमाइंडर हियर, ठीक है, 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ रिमाइंडर आ रहा है, तो ये रिमाइंडर जो आ रहा है इसमें से यदि हम जैसे ये 100 माइनस 4 करेंगे तो ये रिमाइंडर बच रहा है, तो जो भी हम रिमाइंडर ये नंबर आ गया, तो ये तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 24, लेकिन अभी उस रेंज में आया नहीं है जो अपन को चाहिए, तो इसमें फर्दर क्या करेंगे, प्लस 24 अपन कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 विल बी द
दैट पर्टिकुलर हाइएस्ट नंबर, ठीक है, 120 विल बी द हाइएस्ट पर्टिकुलर हाइएस्ट नंबर। तो ये एक तरीका है, ठीक है, जो सबसे इसका क्रूशियल बात होती है, क्या हम इस बात को समझते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों अपन ये लिख रहे हैं, ऐसा ये क्यों लिख रहे हैं, 100 माइनस 4 अपन क्यों लिख रहे हैं, क्या हम इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि 100 माइनस 4 मतलब 96 आ रहा है, वो है क्या, ठीक है, वो नंबर ऐसा है कि जो कि ये क्या है 24 के से डिविजिबल है, इसका मल्टीपल में वो आएगा 12 का, इफ यू आर प्रोसीडिंग और मल्टीप्लाइंग विद द 24 से अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो 96 वो नंबर है जहाँ पे अपन को ये दिख रहा है कि यस दैट विल बी अ मल्टीपल डिविजिबल है, जो कि 100 के बहुत पास है, ठीक है, बहुत करीब है, 96 100 नहीं है, 100 के केस में क्या है कि 4 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो उस जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को हमने क्या करा 100 से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जब भी 100 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करें, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो एक तो इसका अप्रोच होता है कि हमने स्मॉलेस्ट ही 3 डिजिट ले लिया 100, ठीक है, यही बहुत करीब है। एक और अप्रोच क्या हो सकता है, क्या अपन ग्रेटेस्ट 2 डिजिट भी तो ले सकते हैं, ये भी तो उसी नंबर के बहुत करीब है, इस नंबर इज अगेन वेरी क्लोज टू 100 और द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ से अपन लेंगे तो ऐसे चलेंगे, 99 ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या यहाँ से भी अपन को सोल्यूशन मिल सकता है, 24 का तो जो मिल गया था ये 24 LCM उसको तो कैरी करना ही है, 12 4 जाए ये फिर से 96 आ गया, ये 3, ठीक है, तो जो रिमाइंडर है, ठीक है, इससे इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 99 माइनस 3 तो अपन को मिल गया 96, तो दिस इज द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 24, ठीक है, स्मॉलेस्ट इस रेंज की बात कर रहे थे 300 वाले के, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर आएगा जस्ट क्योंकि टेबल है 96, इसे टेबल करते करते आए अपन 96 पे आए, तो इसमें जो आएगा वो क्या होगा प्लस 24 ही तो आएगा, तो 96 प्लस 24 विल गिव यू 120 एज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, काफ़ी टाइम हमने इसमें ले लिया समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सपोज करो अब कहीं क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा मोल्ड करके देता, सपोज करो स्मॉलेस्ट की जगह पे इसने कहीं बोल देता ग्रेटेस्ट बताओ, ठीक है, क्या बोलता ग्रेटेस्ट फाइंड डिटरमाइन ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिजिट बाय 6, 8 एंड 12, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम हमने फाइंड आउट करा था LCM तो वही 24 ही है, ठीक है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट की बात कर रहा है, तो इसमें भी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट या इधर अपन 99 ले लें या फिर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले भी लेकर अप्रोच कर सकते हैं या फिर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लेकर चल, सिंपली इसको डिवाइड ही कर दो आप 96, ठीक है, ये 3 जो रिमाइंडर जो बच रहा है That remainder must be subtracted from this taken quantity. जो भी हमने quantity लिया है उससे उसको करेंगे तो 96 is our answer for this particular case. Determine the greatest 2 digit number which is exactly divisible by 8, 6 and the 12. ठीक है, इस केस की बात करते हैं तो 100 लेकर चलते हैं तो 24, ठीक है, 4 times ये जाएगा फिर से ये 96 आ जाएगा, 4 is the remainder, ठीक है, 100 माइनस 4 इक्वल टू ये 96, इस इज आवर सोल्यूशन, ओके। किसी के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि यार इसको करने की जरूरत क्या है, अपन को तो यहीं पे 96 दिख रहा है, ठीक है, 96 दिख रहा है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है, कहीं दो लाइन में ये डिवीजन बढ़ने लगे, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी आगे बढ़ने लगे तो लास्ट में वो दिखता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो दिख जा रहा एक कोइंसिडेंस है बट आगे नहीं दिखता, तो दैट्स वाई ये प्रॉपर अप्रोच है कि जो रिमाइंडर बच रहा है रिमाइंडर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ओके। एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही सेम पैटर्न पे उसको थोड़ा सा क्विकली करेंगे, एक बार ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं और इस नंबर को थोड़ा चेंज कर देते हैं,
ठीक है, इसको सपोज करो हमने ले लिया 10 12 और सपोज करो 6 ले ले, 8 ले लेते हैं, 8 6 and 12 डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड दी एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 8 10 12 क्या हो जाएगा, 2 4 8 5 10 2 6 12 2 2 4 2 5 वही रह जाएगा, 2 3 6 2 1 5 और 3, ठीक है 5 एक बार में आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ओके कितना हो गया ये, 5 2 10 हो गया, ओके 2 2 4 4 3 12 12 × 10 120 इज द एलसीएम, एलसीएम आ गया। अब ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ठीक है ग्रेटेस्ट की बात कर रहा, तो ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होता है, 999 होता है, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, बट दैट नंबर मस्ट भी इसके आसपास होना चाहिए, या फिर स्मॉलेस्ट फोर डिजिट के पास भी अपन बोल सकते हैं कि वो नंबर उसके पास भी आ सकता है। तो इससे चेक करते हैं, 120 डिवाइड करते हैं इसको, कितने बार में जाएगा, तो ये ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं, जैसे ये 12 है पूरे को नहीं लेके केवल 99 को देखते हैं, ठीक है तो कितने टाइम्स में जा सकता है, 12 5 जा 60 12 6 जा 72 12 7 जा 84 और 12 8 जा 96 होता है। तो 8 टाइम्स अपन जाते हैं, तो 8 0 हो गया, 12 8 जा 96, ठीक है। अब इसको थोड़ा माइनस करते हैं, कितना बचा 9, ये 39 आ गया, ठीक है 39। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 999 है जो हमने कंसीडर करा है, इससे अपन क्या करते हैं रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, जो रिमाइंडर बच रहा है कितना आ गया, 9 माइनस 9 0, अब ये 9 माइनस 3 6 आ गया, 9 ऐसे आ गया, तो 960 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है 960 ही वो सबसे बड़ा तीन डिजिट का नंबर है जो कि इन सबसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इसकी बात कर लें, सेम वही फंडा करेंगे, 120 तो 8 टाइम्स में ये भी जाएगा, तो 960 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 40 करेंगे, ठीक है 1000 माइनस 40 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0 6 और 9, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 39 आ रहा था, यहाँ पे 99 लिया था, तो हमने एक बढ़ाया इधर, तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको थोड़ा क्विकली एक दो मिनट में ही डिस्कस करेंगे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 15 एंड 18, 6 15 एंड 18, ठीक है क्या बताया, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 एंड लीव्स द रिमाइंडर, एंड लीव्स रिमाइंडर रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हर एक केसेस में क्या करता है कि 5 को वो क्या करता है कि एक रिमाइंडर छोड़ देता है, ठीक है। तो रिमाइंडर जैसे कि 6 है, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलो इसकी बात कर लेते हैं, इनकी अपन एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 6 15 एंड 18 क्या आ जाएगा, ये 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 9 जा 18, ठीक है 2 आ गया 5 आ गया 9 आ गया, ठीक है 9 और 5, ओके कितना हो जाएगा ये 5 2 जा 10 9 3 जा 27, ठीक है ये क्या आ गया 9 3 जा 27। तो ये तो एलसीएम की तरफ अपन अप्रोच कर गए, तो एलसीएम तो यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि क्या कर रहा है रिमाइंडर की बातें कर रहा, ओके तो इसमें क्या होगा, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करो, एचसीएफ तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं एचसीएफ क्या होगा 3 होगा, ठीक है HCF will be 3 और जो नंबर आएगा, टाइम खत्म हो रहा अपना, ठीक है तो 3K+5 will be the required answer, ठीक है 3 8 5 3K+5 will be the required answer। उसमें जो रिमाइंडर बचता है ना उसको यार अपन क्या करते हैं कि लास्ट में सिंपली एड अप कर देते हैं, ओके तो LCM अपन निकालते हैं, यहाँ पे शायद यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, LCM इसका 19 ही आता है, 19+5 95, कितना 95 will be our answer, जो हमने एलसीएम फाइंड आउट करा है यहाँ पे, एलसीएम विल बी 90 90 प्लस जो नंबर डिवाइड करेंगे
क्या होंगे, उससे 5 ज़्यादा होगा। अब इसको 95 को आप डिवाइड करो, इसमें 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लासेस में। टिल, थैंक यू।